दिल्ली में आईटीओ और आईटीओ में गांधी पीस फाउंडेशन में मैं हूँ, जहाँ पर आज साहित्यकारों का जमावड़ा लगा हुआ है और एक से एक साहित्यकार यहाँ पर पूरे भारत से जोड़े गए हैं। उसमें हमारे साथ हैं कुसुम योगी जी। मैं चाहूँगा सर, डॉक्टर साहब, आज का ये जो भारतीय जन लेखक संघ का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा आज? एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से आज की जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से लेखकों के ऊपर हमला कर रहे हैं जी, और यहाँ तक कि लेखकों को कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटियों से बारूदी बुद्धिजीवी निकल कर बाहर आ रहे हैं जी, जो अर्बन डेक्साइड को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल क्या है कि जो वास्तव में जो लेखक है, जो साहित्यकार है, वो तो जनहित की बात करता है, सम्यक बात करता है, लेकिन कुछ हिंदू फासीवादी ताकतें लेखकों को इस तरीके से यानी वो करना चाह रहे हैं, अलंकृत करना चाह रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और यह जो अखिल भारतीय जन लेखक संघ का जो आज का उद्देश्य है, वह यही है कि शब्द से सरकारें डरा करती हैं, और शब्द वो हो जिससे समाज की अस्मिता सुरक्षित हो, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित हो। हम सभी लोगों को क्या नाम मिलजुल कर काम करना है, और इस सरकार से बिल्कुल जिस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर ये आक्रमण कर रही है या हमले हो रहे हैं, साजिशान तरीके से लेखकों की जुबानों को दबाया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लेखक वर्ग को सामूहिक रूप से इन शक्तियों का मुकाबला करना होगा और आगे बढ़कर बात करनी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो ये आज की गवर्नमेंट जो है, ये ना तो लेखकों से डर रही है, ना समाज से डर रही है, ना ही पब्लिक से डर रही है, ऐसा क्यों है ये? ऐसा नहीं है, अगर लेखकों से ना डरती तो कांचा लहिया की पुस्तकों को यूनिवर्सिटियों से खारिज क्यों कराती? क्यों कराती? तो आज जो पहले क्या था कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि एक ज़माना था कि दलितों को, अछूतों को और वंचित समाज को पढ़ने का हक नहीं दिया जाता था, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के मातहत हमको शिक्षा के अधिकार दिए, पढ़ने के अवसर रोज मुहैया कराए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दिए, संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, और उनके माध्यम से जो लोग शिक्षित होकर हम लोग पढ़े लिखे और अस्मिता के साहित्य को हमने खोजा परखा और अपने इतिहास को जाना, तो हमने लिखा, और आज वो इसका ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो में इस तरह के से दलित साहित्य छाया कि यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रमों में आया। और आज वही जो हमको कभी पढ़ने के अवसर नहीं दिया करता था, आज वही कहता है कि नहीं, इनके साहित्य को खारिज किया जाए, इनको पढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी असली पहचान उजागर होगी और हमारी अस्मिता की पहचान होगी, हमारे शास्त्रों में कितना गंदगी भरी पड़ी है, कितना विषमतापूर्ण व्यवहार लोगों के साथ करने के लिए उनकी नीति निर्देश दिए हुए हैं। तो इसलिए अब सरकार शब्दों से ही डर रही है, और सरकार ये भी जान ले कि शरीर मर सकती है, कितने कलबुर्गी मारोगे, कितने गोरी लंकेश मारोगे, कितने दामोलकर को मारोगे, शब्द कभी मरा नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को खूब तन मन धन से खूब लिखना चाहिए और आंदोलनों में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए जी। शब्द कभी मरा नहीं करते हैं, और शब्दों का तो एक ऐसा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। मैं शब्दों के ही महारथ ही एक और हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि शब्द तो नहीं मरा करते, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, पर ये जो लोगों को मारने की कवायद चल रही है, ये क्या है? ये जाति धर्म लेकर के ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है जी। महत्वपूर्ण बात ये है कि जब लेखकों को मारा जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि सरकार का कहीं ना कहीं डर है, उस डर को छुपाने के लिए वो उनको मार रही है खास तौर पर, क्योंकि जिन्होंने बताया जैसे शब्द हैं, ऐसे ही कविता है जी। कविता और शब्द एक बन करके फिर एक हथियार बनता है, उस हथियार को भौतरा करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं, और ऐसा संभव नहीं है। अब तो दलित जाग चुका है, बहुत आगे आ चुका है, ये बात है कि अब उसको एकीकरण करके हम पूरे भारत में ले जाएंगे। ये भारतीय जन लेखक संघ का आंदोलन है जी। इस आंदोलन से हम अभी ये दिल्ली शहर में करेंगे, फिर लखनऊ में करेंगे, फिर पंजाब में करेंगे, फिर केरल में करेंगे, तो सारे लेखकों को जगा करके एक इकट्ठा करके उनके एक आंदोलन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है खास तौर पर। क्योंकि अभी तक देखा होगा आपने, जैसे दलित शब्द था, हमारा दलित साहित्य चल रहा था, उस पर क्या हुआ कि इन्होंने कहा, देखा कि दलित शब्द तो बहुत खतरनाक है, इससे उनके अंदर प्रेरणा आती है, लोगों के अंदर ऊर्जा आती है, तो उससे साहित्य का पता चलता है, उनका इतिहास का पता चलता है, तो इसलिए वो कहने लगे इस साहित्य को, इसको शब्द को ही बंद करो, तो उन्होंने हाई कोर्ट से दिलवा करके दे दिया। लेकिन संभावना किसकी है? अब
कितना किसी को डरा सकते हैं, कितना किसी को धमका सकते हैं, कितना किसी को शोषण कर सकते हो। अम्बेडकर ने कहा कि जहाँ शोषण की सीमा खत्म हो जाती है, जहाँ सहन करने की सीमा खत्म हो जाती है, वहीं से क्रांति शुरू होती है। तो ये क्रांति की शुरुआत है और इसका आंदोलन जबरदस्त चलेगा, देखना पूरे भारत में छाएगा और एक तरह से नई क्रांति आएगी। और देखना जो अब जो दलित खड़ा हो गया है, दलित साहित्यकार खड़ा हो गया है, दलित साहित्यकार किसी से डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, शोषण के खिलाफ लिखेगा और किसी भी अन्याय के खिलाफ लिखेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी बिल्कुल किसी भी शोषण के खिलाफ लिखने के लिए पूरा तैयार है। मैं डॉक्टर साहब से एक बात और पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो क्रांति की अभी बात की, कितने टाइम और क्रांति चलेगी, कितने लोगों का लहू यहाँ पर और बहेगा अभी? देखिए, ऐसा है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनका किसी रक्त रंजित क्रांति से कोई लेना देना नहीं। ये एक वैचारिक और एक सांस्कृतिक क्रांति है जी। और इस वैचारिक क्रांति के अंदर हम लोग अपनी अस्मिता की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। आपकी वैचारिक क्रांति है, पर अदर्स जो हैं वो वैचारिक क्रांति नहीं कर रहे हैं। वो तो जैसे गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, इसी तरीके से वो तो खूनी खेल खेल रहे हैं ना। मैं उस चीज पे कह रहा हूँ कि ये खूनी खेल कब तक खेला जाएगा। दरअसल क्या है कि सबसे बड़ा इस देश का सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ओबीसी वर्ग से हो रहा है जी। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा मंत्र पढ़ता है, सामने आकर दंगा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स कराते थे, हिंदू सिख राइट हो चुके हैं और हिंदू ईसाई राइट हो चुके हैं, माइनॉरिटी पर भी हमला हो चुके हैं। लेकिन ये दलित ओबीसी को, स्वर्ण समाज जो है ओबीसी को साथ लेकर दलितों पर हमला कराने की योजनाबद्ध तरीके से साजिश चल रही है। कारण क्या है कि जहाँ के जो लोग सम्मान की बात करते हैं, गाँव में स्वाभिमान से निकलना चाहते हैं, एक एक घेर कर मारा जा रहा है। कितने लोगों को मारेंगे, आखिर कितने लोगों को मारेंगे? तो आज समाज जाग चुका है, पहले जैसे गुलामी वाली स्थिति नहीं है। और जो सामंती रजवाड़े वगैरह थे उस तरीके से पाए लागू और जो जी उजर की बात क्या करते थे, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं और ख़त्म होनी भी चाहिए। देश के अंदर एक समतापूर्ण वातावरण बनना चाहिए, सबको जीने का हक मिलना चाहिए, सबको रहने सहने का हक मिलना चाहिए, सबको शिक्षा का हक मिलना चाहिए और उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए सारा का सारा जी। तो ये जो एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के ऊपर जो कातिलाना हमले हो रहे हैं, ये छुटपुट घटनाएँ हैं, लेकिन इससे हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें इतना अति विश्वासी या अति उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं की मूर्तियों को बहिष्कार कर रहे हैं और निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो मनाते मनाएं, लेकिन हम कम से कम उस परंपराओं से दूर रहें, उन रूढ़िवादिता, उन जड़ताओं से, उन अंधविश्वासों से दूर रहें जिनके माध्यम से हम शिकार बनते हैं और हमारा शोषण होता है जी। अगर शोषण नहीं कराना है तो शायद रूढ़िवादी चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। मैं ITO से मिलेंद्र गौतम, UTV।